लगभग एक हफ्ते पहले ही टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ताजा टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक की अपनी पोजीशन खो चुके हैं। दरअसल टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में भारतीय कप्तान कोहली ने कुल 200 रन बनाए थे, जिसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बन गए थे। हालांकि लॉर्ड्स में फ्लॉप साबित हुई उनकी बल्लेबाजी के बाद वो अपनी बादशाहत खो चुके हैं। आपको बता दें, बॉल टेम्परिंग मामले में 12 महीने का बैन झेल रहे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बन गए। आपको बता दें, ICC के इस ताजा रैंकिंग में स्टीव स्मिथ के 929 अंक हैं, जबकि कोहली के 919 अंक। साथ ही टॉप 10 में 2 और बदलाव हुए हैं। लॉर्ड्स में 93 रनों की पारी खेल इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो 3 स्थान चढ़कर 9वें स्थान पर आ गए हैं। उनके कारण दक्षिण अफ्रीका के डीन एल्गर को 1 स्थान नीचे 10वें स्थान पर आना पड़ा। इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट 3रे स्थान पर बने हुए हैं, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने अपना 6ठा स्थान कायम रखा है। बहरहाल टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का 3रा मैच नॉटिंगहम के मैदान पर खेला जाएगा, जहां भारतीय कप्तान बेहतरीन पारी खेल एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में अपनी बादशाहत कायम करना चाहेंगे।